आज की रात में हम यही रहेंगे। और तो ये हमारी कार्स हैं, और ये वाली पीछे वाली गाड़ी मेरी है, और ये आगे वाली परवेज भाई की है। ठीक है, आग जलाई हुई है और सर्दी बहुत ज़्यादा है, हवा भी चल रही है, और इस वजह से हम यहाँ पे आग जला के बैठे। सो थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें, और ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, प्लीज़ इसको ज़रूर देखें पूरा। जैसा कि आप देख सकते हैं, वो परवेज भाई थोड़ा पीछे चले गए हैं जंगल में, और अभी मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ। ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, यहाँ पे देख सकते हैं, इनको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जगह कैसी होगी, को आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं। और ये मुझे एक नई चीज दिखाई देती है, ये एक शायद पुराने टाइम का कुछ बोर वगैरह, कुछ शायद ऐसा कुछ है, लगता तो शक्ल से तो ऐसे लगता है जैसे कुछ बोर वगैरह कुछ है, शायद यहाँ पे कुआ भी होना चाहिए कोई आसपास। तो परवेज भाई वो दूसरी साइड से जाके इस फिल्म को तैयार कर रहे हैं, और आप उन्हें देख सकते हैं सैयद मोहम्मद परवेज के नाम से, शायद अभी वो फेसबुक पे ऑनलाइन लाइव है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये सारी चीज़ें। प्लीज़, और मैं इसके अंदर जाके दिखाऊँ तो कैमरा यहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा, जूम कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे कुछ ऐसा खास नहीं है, शायद कुछ अंदर कुछ चमगादड़ वगैरह कुछ यहाँ पे है जो उसके अंदर घुसा हुआ है। तो डेफिनेटली कीड़े मकोड़े का तो ये घर है, और यहाँ पे कुछ अदरवाइज अगर और कुछ भी होगा तो हमारे पास थर्मल कैमरा है, तो इसमें हो सकता है वो चीज़ कैप्चर हो जाए। तो ये देखिए, ये जंगल, यहाँ पे सब कुछ नहीं कैप्चर कर पा रहे क्योंकि मेरे पास लाइट इतनी हाईफाई नहीं है जो पूरे जंगल को दिखा सके। ये कैमरे की लाइट है जो कैमरे में इनबिल्ट होती है, बट अदरवाइज कोई लाइट नहीं है। यहाँ पे हवा भी बहुत तेज़ है और ठंड भी लग रही है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और बताऊँ, कुछ है शायद कुछ है यहाँ पे, बस अभी मुझे वापस जाना चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, और ऐसा ना हो कि मुझे कोई चीज़ जाहिर हो जाए और ये फिल्म मैं इसका इंट्रोडक्शन ना करूँ। मुझे वापस जाना चाहिए, तो मैं भी इसी रास्ते से वापस जाता हूँ।